फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया पैटर्न लेकर आई हूँ। जाली वाला पैटर्न है, नेट पैटर्न है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। साल, स्वेटर, किसी में भी आप इसे यूज करिए, ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। ये जो डिज़ाइन है, इसे 15 के मल्टीपल में लेना है। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 30 फंदा लिया है और दोनों तरफ दो एच स्टिच है, मतलब 32 स्टिचेस है ये। यहाँ से यहाँ तक हमें 15 स्टिचेस चाहिए, तो 15 के मल्टीपल में आप अपना फंदा डाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। ये जो पहला फंदा है, इसे हम स्लिप करेंगे, बिना अपने उतार लिया इसे। अब देखिए, यहाँ जो नेक्स्ट पांच फंदा है, इसे हम धागा सामने ले आएंगे और सीधा बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ एक फंदा एक्स्ट्रा बन गया और इस तरह का जाली यहाँ पड़ेगा इस तरह। तो ये पहला पांच फंदा हम धागा सामने ले आएंगे और सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। अभी हमें नेक्स्ट 10 फंदा तो क्या करना है, 2 का 1 करना है। देखिए, यहाँ 5 फंदा एक्स्ट्रा बन गया है, तो यहाँ हमें 5 फंदा कम करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम उल्टा बुनेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये जो 2 फंदा है, इसे एक साथ बुनेंगे। ये हमें करना है नेक्स्ट 10 फंदे में। चार और पांच, देखिए देखिए, 15 फंदा में हमारा ये डिजाइन आया है। धागा आगे ही रहेगा और हमें फिर 5 फंदा सीधा बुनना है। तो यहीं पे हमारा फिर से 5 फंदा एक्स्ट्रा बनेगा और जाली बढ़ेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो 10 फंदा है, धागा आगे ले आएंगे और 2 का 1 करके बुनेंगे, वो भी उल्टा बुनेंगे। 2 का 1 करके हम उल्टा बुनेंगे इसे। तो यहाँ हमें 10 को 5 करना है। 10 फंदा जो है, इसे 5 फंदा बनाना है। देखिए, ये था हमारा रो 1 राइट साइड। रॉन्ग साइड हम सारे फंदे उल्टा बनाना है। तो रो 2 रॉन्ग साइड है, इसे हम सारा फंदा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। रो 2 हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया रॉन्ग साइड में। अभी रो 3 है राइट साइड में। अब यहीं पे एक बात ध्यान दीजिए, रो 1 में हमने यहाँ पे जाली डाला था, मतलब धागा सामने लाए थे और सीधा बुने थे। अभी हमें क्या करना है, यहीं पे जो 10 फंदा है, इसे 2 का 1 करके बुनना है और वो जाली वाला पैटर्न यहीं पे डालना है। देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे, अब 2 का 1 करके उल्टा बुनेंगे। दस फंदा में ऐसे ही बुनना है। 3, 4 और 5, माने 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे। देखिए, यहाँ 10 का 5 कर गया। अभी लास्ट टाइम, मतलब रो 1 में यहाँ पे हमने 2 का 1 बनाया था। अभी इसी के ऊपर हमें वो जाली वाला पैटर्न डालना है, मतलब धागा आगे रहेगा और सीधा बुनेंगे। 1, 2,
तीन, चार और पाँच। 15 फंदों का हमारा पैटर्न है, बहुत ही आसान है। अभी यहाँ नेट रो 1 में यहाँ हमने जाली डाला था, इसके ऊपर अभी हमें 2 फंदों को एक करके बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार और पाँच। देखिए कितना आसान डिजाइन है। अब यहीं पे हमें जाली डालना है, धागा आगे ही रहेगा और सीधा बुनेंगे। तो यहाँ जो 5 फंदा है वो 10 हो जाएगा। देखिए डिजाइन इस तरह से आएगा, कितना आसान डिजाइन और अच्छा डिजाइन है। देखिए अब रॉन्ग साइड पे हमें उल्टा बुनना है, मतलब रॉन्ग साइड पे सारे फंदे हमें उल्टा ही बुनना है। ये राइट साइड में ही हमें अपना डिजाइन डालना है। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है, बहुत सुंदर डिजाइन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।